प्लान। फिल्म सिरेज की वो कहानी जिसे फिल्मी पर्दे पर देखकर हकीकत में अंजाम दे डाला। इश्क के दुश्मनों ने बांदा से बुलाकर एक लव बर्ड को मुंबई में मौत के घाट उतार दिया, लेकिन कैसे, कब और क्यों इसकी साजिश रची गई, इसकी कहानी बड़ी ही हॉरर है। बांदा के एक दंपत्ति की मुंबई में बेरहमी से हत्या कर दी गई। कातिल इस वारदात को पहले यूपी में अंजाम देना चाहते थे, लेकिन सीएम योगी और पुलिस के डर से क्राइम की लोकेशन और प्लानिंग बदली गई। बाद में दोनों को मुंबई बुलाकर बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। 14 अक्टूबर 2023 कोंडवी मुंबई। मुंबई पुलिस को एक लावारिश लाश पड़े होने की खबर मिली। पुलिस ने जांच की तो पता चला युवक का कत्ल किया गया है, लिहाजा 302 की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। तो कहानी पूरी तरह फिल्मी निकली। 14 अक्टूबर शाम को गोवंडी इलाके में एक 20-22 साल के लड़के की डेड बॉडी मिली थी। उस सिलसिले में हमने 10 टीम फॉर्म की और उसमें विक्टिम करण रमेश चंद्र, ये यूपी का रहने वाला है, ये हमने आइडेंटिफाई किया। और इस सिलसिले में हमने उसका ससुर गोरा रईसुद्दीन खान, इसको कस्टडी में लिया। मराठी फिल्म सरैत में ठीक इसी तरह एक प्रेमी जोड़े को मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसी फिल्म का रीमेक बनती है धड़क। फिल्म धड़क की कहानी भी मोहब्बत की दुश्मन घर वालों के अदावत को दिखाती है। मुंबई पुलिस अब जिस केस को सॉल्व कर रही थी, इसमें भी ठीक वैसी ही कहानी थी। इस वारदात को लेकर जब पुलिस ने एडीआर दर्ज किया तो पता चला मरने वाला शख्स उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और उसने एक मुस्लिम लड़की से शादी की थी। अब पुलिस के निशाने पर वो परिवार था जिनके घर की लड़की से मृतक की शादी हुई थी। लिहाजा इस पूरे मामले को लेकर पत्नी गुलनाज के पिता को पुलिस ने धर दबोचा, लेकिन अभी भी इस मामले में एक बड़ा ट्विस्ट बाकी था। पुलिस जांच में पता चला कि घर वालों ने सिर्फ बेटी के लवर को ही नहीं मारा, बल्कि गुलनाज का भी कत्ल किया जा चुका था। अब पुलिस को इस हॉरर किलिंग के गुनहगारों की तलाश थी। पुलिस ने जांच शुरू की तो कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई। पता चला कि गुलनाज मुस्लिम थी और उसने हिंदू लड़की से शादी की थी। घर वाले गैर धर्म में शादी से नाराज थे, लिहाजा गुलनाज और उसका पति दोनों बांदा आकर रहने लगे। पहले गुलनाज के परिवार ने बांदा में ही दोनों की हत्या की साजिश रची, लेकिन यूपी में योगी और पुलिस के डर से हत्या का प्लान टाल दिया गया। पुलिस ने केस को सुलझाते हुए अब गुलनाज के पिता गोरा रईसुद्दीन खान, उसके बेटे सलमान गोरा खान, सलमान के दोस्त मोहम्मद कैफ, नौशाद खान और उसी इलाके के 3 अन्य नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। सलमान गोरा खान और उसके कुछ दोस्तों ने मिलकर विक्टिम का मर्डर किया है, ये वहाँ पे बताया। विक्टिम करण ने अक्यूज की लड़की गुलनाज के साथ में लव मैरिज किया था। इस सिलसिले में सभी एक्यूज ने मिलके इसमें विक्टिम करण और उसकी जो वाइफ है और एक्यूज की लड़की गुलनाज, इसका भी मर्डर किया। बांदा का रहने वाला करण चौरसिया कई साल पहले मजदूरी करने मुंबई गया था। इसी दौरान उसकी मुलाकात गुलनाज से हुई थी। दोनों में इश्क हुआ तो मजहब की दीवार तोड़ दोनों ने शादी कर ली, लेकिन प्यार के दुश्मन परिवार को ये मंजूर नहीं हुआ। प्रेम दीवार था इन दोनों का और शायद उनकी मां ने उनको फोन करके गुलनाज को उधर बुलाया और उसके बाद दोनों की हत्या कर दी गई। और ये गलत हुआ है बहुत, इस तरह नहीं होना चाहिए था, इसको प्रशासन को इसको देखना चाहिए। अब दोनों बालिग थे, उनको उनके साथ जो भी हुआ वो गलत हुआ। दोनों की हत्या कर अलग अलग इलाकों में लाश फेंकी गई। करण की लाश को देवनार के जंगल में एक पुराने कुएं में फेंका, जबकि बेटी गुलनाज की लाश यहां से 30 किलोमीटर दूर नवी मुंबई के कलम बोली इलाके में ठिकाने पर लगा दी गई। लेकिन कातिल पुलिस से नहीं बच पाए। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट।